दोस्तों सब्सक्राइब करें ड्राइविंग हब चैनल को और देखें नए वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको आपके भेजे हुए कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूं, जो कि मुझे काम के लगे और बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए ऐसा मुझे लगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली कमेंट में लिखा है, भाई मेरी XUV 500 में पिंक कलर का कूलेंट दिखा रहा है, इज दैट नॉर्मल? तो भाई ये बिल्कुल नॉर्मल है, कूलेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते हैं। अब ये कूलेंट दिखने में अच्छे लगे इसके लिए उनको कलर नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके अंदर यूज हुए एक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह से उनको डिफरेंट कलर मिलता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर का कूलेंट होता है उसमें सिलिकेट्स यूज होते हैं, उसके बाद दूसरा ऑरेंज कलर का कूलेंट आता है जिसमें ऑर्गेनिक एसिड्स यूज होते हैं, उसके बाद येलो कलर का कूलेंट आता है जो कि हाइब्रिड होता है, उसमें सिलिकेट्स और ऑर्गेनिक एसिड दोनों यूज होते हैं जिससे उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो पिंक कलर का कूलेंट होता है उसमें फॉस्फेट और ऑर्गेनिक एसिड यूज होते हैं। तो इस तरीके से कूलेंट को डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं। अब दोस्तों दूसरी कमेंट में ऐसा लिखा है कि मैंने अपने वीडियो में मिनरल ऑयल के बारे में बताया है, यानी कि मिनरल ऑयल 1 साल के अंदर खराब हो जाता है और उसके बाद उसे चेंज कर देना चाहिए, पर इन्होंने ऐसा पूछा है कि अगर मैं सिंथेटिक ऑयल डलवाऊं तो 1 साल से ज्यादा चला सकता हूं या नहीं। तो दोस्तों सिंथेटिक ऑयल भी खराब होता ही है, क्योंकि उसके अंदर जो एडिटिव्स डले होते हैं वो टाइम टू टाइम डिग्रेड होते रहते हैं। अब सिंथेटिक ऑयल डलवाने का फायदा आपको ये होगा कि वो हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर रेंज में अच्छे से काम करेंगे, और साथ ही अगर आपकी गाड़ी का यूज ज्यादा है तो वो थोड़े ज्यादा किलोमीटर तक भी चल जाएंगे। उसके बाद दूसरी कमेंट है, एक्सेलरेशन देने पर इंजन ज्यादा तेज कैसे घूमता है? तो दोस्तों सिंपल आंसर है, जब भी हम एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो इंजन कंपार्टमेंट में फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके जलने से जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो फोर्स क्रिएट होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पिस्टन तेजी से अप डाउन होगा और इसी वजह से इंजन के जो RPM है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी कमेंट है रेव सेल्फ ड्राइव कार वाले वीडियो पे। अब इन्होंने लिखा है कि पेट्रोल किसका होता है? तो दोस्तों इसमें अलग अलग ऑप्शन चूज करने के होते हैं, आप विथ फ्यूल या विथाउट फ्यूल गाड़ी रेंट कर सकते हैं, उसके रेट्स अलग अलग होंगे। उसके बाद लिखा है अगर कार में डेंट मार दिया तो क्या उसके पैसे देने पड़ेंगे? तो दोस्तों रेव की जो भी गाड़ियां होती है उनका 0 DEP इंश्योरेंस होता है, तो अगर वो लोग रिपेयर करवाते हैं तो उसका जो मिनिमम क्लेम चार्ज होता है वही आपको देना पड़ेगा, बाकी वो लोग क्लेम पास करवा देते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ये बात पता ना हो तो वो लोग पूरे पैसे मांगे पर आपको पूरे पैसे नहीं देने। उसके बाद आगे लिखा है टायर पंचर हुआ तो कौन आएगा चेंज करने एंड कब तक आएगा? तो दोस्तों अगर आपको टायर चेंज करना आता है तो आप खुद कर सकते हो, वरना उनका रोड साइड असिस्टेंस तो होता ही है, आप उनके कॉल सेंटर में कॉल करके बता सकते हैं और वो लोग आ जाएंगे। इसका मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है पर उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है, मैंने जो हुंडई के AVN सिस्टम के मैप्स अपडेट करने के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था उसके ऊपर ये कमेंट है, भाई फ्री में कैसे होगा सॉफ्टवेयर का लिंक सेंड कर दो। तो भाई जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट फ्री था, पर अभी उन्होंने चार्जेबल कर दिया है तो आपको पैसे भर के ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, भाई प्लीज अपलोड वीडियो डेली। तो दोस्तों डेली वीडियो देना तो पॉसिबल नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको दे सकूँ, और अगर आगे पॉसिबल हुआ तो डेली वीडियोस देने की भी ट्राई करूंगा 100%। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट, मैंने जो इंडियन हाईवे रूल्स वाला वीडियो बनाया था उसके ऊपर कमेंट है, तो इन्होंने लिखा है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, डिवाइडर के साथ की लेन पर हेवी गाड़ी और दूर तक जाने वाली गाड़ी के लिए होती है, दूसरी गाड़ी लेफ्ट से ही पास होती है। उसके बाद दोस्तों सिमिलर कमेंट है, भाई तू ही पागल है, कोई एक लेन छोड़ के दूसरी लेन में जाएगा वो भी तुझे साइड देने के लिए। उसके बाद दोस्तों तीसरी भी सिमिलर कमेंट है, उसको भी साथ में पढ़ लेता हूँ, पहले तू रूल पढ़ ले बाद में वीडियो बना, गलत रूल क्यों बता रहा है, इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट से ओनली ओवरटेकिंग होता है। तो भाई पहले वीडियो को पूरा देख लो, उसे अच्छे से समझ लो, उसके बाद में कमेंट करिए। मैंने इस वीडियो में यही बताया है कि ओवरटेकिंग राइट साइड से करिए, लेफ्ट साइड से ना करें। उसके बाद अगर मैं रूल्स गलत बता रहा हूँ तो आप गवर्नमेंट की साइट पर देख सकते हैं या उनके रूल्स देख सकते हैं, उनमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट साइड वाली लेन होती है वो हेवी व्हीकल्स के लिए होती है जिनकी स्पीड कम होती है, और जो राइट मोस्ट लेन होती है उसे ओवरटेकिंग के लिए रखा जाता है, या तो ज्यादा स्पीड में चलाने वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। आपको एक दो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है, उसमें आप हेडिंग क्लियरली देख सकते हैं, ऑन एक्सप्रेसवे लेफ्ट लेन फॉर ट्रक्स राइट ओनली फॉर ओवरटेकिंग। उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देख सकते हैं, फास्ट मूविंग कार्स ऑन द राइट, ट्रक्स एंड हेवी व्हीकल्स ऑन द लेफ्ट। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हेवी व्हीकल्स और स्लो मूविंग व्हीकल्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए, और जब फास्ट मूविंग कार्स है वो राइट साइड में चलेंगे, और अगर 6 लेन है तो लेफ्ट वाला लेन है उसमें हेवी व्हीकल्स
और स्लो मूविंग ट्रैफिक होगी, और जो सेंटर लेन है उसमें फास्ट मूविंग कार्स होगी, और जो राइट मोस्ट लेन है जो कि डिवाइडर के पास में होता है उसे ओवरटेकिंग के लिए खाली रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा एक कमेंट है, इसमें लिखा है इंडियन ट्रक ड्राइवर्स बी लाइक, हमारे लिए तो ये सब जोक्स से कम नहीं है। तो बिल्कुल सही कमेंट है ये, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको रूल्स की कुछ भी नहीं पड़ी होती है, बस उनको अपनी ही चलानी होती है। ना लेफ्ट साइड में ड्राइव करेंगे, ना साइड मांगने पर साइड देंगे, और बहुत बार तो साइड दिखाए बिना लेन चेंज कर लेते हैं। और आपने काफी बार देखा होगा मेजोरिटी जो ट्रक्स होते हैं उनकी टेल लाइट्स नहीं होती है, या तो खराब हो चुकी होती है, और वो उनको रिपेयर करवाना भी जरूरी नहीं समझते हैं, जो कि नाइट ड्राइव में बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।